सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायाम सर्वेषां स्वागतम अस्ति। प्यारे बच्चों, आज हम आपके एक प्रिय त्यौहार जिसको हम होली का त्यौहार कहते हैं, उसी के संबंध में आपके सुरभि पुस्तक के अष्टादश पाठ होलिकोत्सव नामक पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो त्यौहार होते हैं वह हमारे क्या कहते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, हमारा सौहार्द बढ़ता है, मेल जोल बढ़ता है और कई बार तो हमारी दुश्मनी भी त्यौहार के माध्यम से खत्म हो जाती है ना। तो हमारे जो ये होली का जो त्यौहार है वह एक हमारे बीच बहुत ही अच्छा, इसमें आप लोग बहुत ही जो है मन लगा कर खेलते हो, इसको होली को खेलते हो ना, होली का त्यौहार मनाते हो, है ना। तो आज हम इसी के संबंध में संस्कृत में पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए अष्टादश पाठ है होलिकोत्सव, इसका पहला अनुच्छेद या जिसको हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ भी कहते हैं। तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रिय उत्सव होलिकोत्सव अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश से, यहाँ पर प्रदेश का शब्द हो गया प्रदेश से, षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग है, इसका क्या होता है संबंध कारक का के की का प्रयोग होता है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश से का तात्पर्य क्या हुआ, छत्तीसगढ़ प्रदेश का, ठीक है। प्रिय उत्सव होलिकोत्सव अस्ति, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रिय उत्सव होली का उत्सव है, अर्थात होली का त्यौहार है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जनाः उत्सवं श्रुत्वैव आनंदम अनुभवन्ति। लोग त्यौहार के विषय में सुनकर, श्रुत्वैव का श्रुत्वा धन एव श्रुत्वैव हुआ, तो श्रुत्वा मतलब क्या होता है, सुन करके, है ना। तो होली के त्यौहार, लोग इस त्यौहार के विषय में सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से जनानाम इमं उत्सवं प्रति अति निष्ठा लक्षते। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग इस, इमं का तात्पर्य हुआ इस त्यौहार के प्रति अति निष्ठा लक्षते, अत्यधिक निष्ठा रखते हैं। अस्माकं प्रदेशे अनेके उत्सवाः समायोज्यन्ते। यहाँ पर समायोज्यन्ते का तात्पर्य हुआ आयोजित करते हैं। अस्माकं हमारे और प्रदेशे प्रदेश में, अनेके अनेक, तो हमारे प्रदेश में अनेक उत्सव आयोजित होते हैं। परम होलिकोत्सवस्य वैशिष्ट्यम अनुपमेयम अस्ति। परंतु होली के त्यौहार का विशिष्ट महत्व है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, है ना। अनुपमेयम का तात्पर्य क्या हुआ, जिसकी तुलना ना हो या जिसकी तुलना ना की जा सके। तो यहाँ पर देखिए, कुछ कुछ जो शब्द आए हुए हैं आपके में, तो श्रुत्वैव जैसे मैंने बताया आपको, श्रुत्वा धन एव जिसका तात्पर्य होता है सुन करके, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं, इमं उत्सवं प्रति इसका तात्पर्य हुआ इस उत्सव के लिए या इस उत्सव के प्रति, समायोज्यन्ते आयोजित करते हैं, अनुपमेयम जिसकी उपमा या तुलना न हो। होलिकोत्सव फागुन मासस्य पूर्णिमायां संपद्यते। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। अस्य उत्सवस्य आगमनम समशीतोष्ण ऋतुकाले भवति। अस्य उत्सवस्य, यहाँ पर अस्योत्सवस्य का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्य उत्सवस्य यानी इस उत्सव का आगमनम, आगमन समशीतोष्ण ऋतु का, समशीतोष्ण का तात्पर्य होता है जब न ठंडी होती है, यानी जो ठंडी और गर्मी क्या होती है, समान होती है, सम होती है, बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समशीतोष्ण। इस उत्सव का आगमन समशीतोष्ण ऋतु काल में होता है। वसंत आगमनेन सर्वासु दिशासु सस्यानि आच्छादितानि भवन्ति। आच्छादितानि का तात्पर्य होता है छा जाता है, क्या छा जाता है, सस्यानि छा जाता है, सस्यानि का तात्पर्य होता है हरियाली। तो वसंत के आगमन से सभी दिशाओं में हरियाली छा जाती है। उद्यानेषु नौ पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यानों में नए पुष्प विकसित होते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मयूर नृत्य करते हैं। मयूराः बहुवचन का प्रयोग है, मयूर का बहुवचन मयूराः, इसलिए यहाँ पर शब्द लगा है नृत्यन्ति, नृत्य के साथ जो है बहुवचन का जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है
तो नृत्यन्ति, तो मोर नृत्य करते हैं। पिकाह गायन्ति, पिकाह का तात्पर्य होता है कोयल, कोयल गाते हैं। तो इस प्रकार हो गया, मयूर नृत्य करते हैं और कोयल गाते हैं। अस्मिन् समये सर्वेषां प्राणिनां हृदि प्रफुल्लता संचरति, अस्मिन् समये इस समय सर्वेषां प्राणिनां सभी प्राणियों, सर्वेषां प्राणिनां का क्या हुआ, सभी प्राणियों के हृदय में, हृदि का तात्पर्य हुआ हृदय में, अप्रफुल्लता संचरति, प्रफुल्लता का तात्पर्य खुशी, तो खुशी संचारित होती है अर्थात खुशी फैलती है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, इस समय सभी प्राणियों के हृदय में खुशी का संचार होता है। छत्तीसगढ़ कृषि प्राधान्य प्रदेश अस्ति, है ना, तो छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि प्रधान का तात्पर्य हुआ जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि होती है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को और क्या कहते हैं, हम धान का कटोरा भी कहते हैं, है ना भाई, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, अधिकाधिक जनानाम जीवनम कृषौ एव अवलंबितम, यहाँ पर अवलंबितम शब्द है जिसका तात्पर्य होता है आश्रित, है ना, तो अधिकाधिक जनानाम अधिक से अधिक लोगों का जीवन कृषि पर ही आश्रित है, कहाँ बताइए, हाँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या है जो है अधिक से अधिक लोगों का जीवन किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। कृषकाः षड्मास पर्यन्तं कृषि कार्यं बहुयत्नेन कुर्वन्ति, कृषकाः कृषक जो कृषक होते हैं, कृषक और क्या बोलते हैं आप लोग, किसान बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं हम, किसान, तो किसान षड्मास पर्यन्तं, षट जब इसको विच्छेद करेंगे तो क्या कहेंगे, षड्मास पर्यन्तं, षट का तात्पर्य हुआ छः और मास का तात्पर्य माह और पर्यन्तं तक, तो इस प्रकार क्या हुआ, किसान छः माह तक कृषि कार्य में बहुत ही प्रयत्न करते हैं, यानी कृषि कार्य में क्या करते हैं, बहुत बहु यत्नेन का तात्पर्य क्या हुआ, हाँ बहुत से जो बहुत कठिन काम करते हैं ना, तो क्या हो गया, कृषक छः मास तक कृषि कार्य में बहुत ही प्रयत्न करते हैं। पश्चात धन धान्यम संप्राप्य हर्षम अनुभवंती, तो उसके पश्चात धन धान्यम संप्राप्य, धन धान्य, धन और धान्य, धान्य का तात्पर्य क्या होता है, अनाज, और धन का पैसे, तो उसके पश्चात धन धान्य प्राप्त कर हर्ष का अनुभव करते हैं, हर्षम नुभन्ति, है ना, हर्ष का अनुभव करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, प्राचीन काले सर्वे गृहस्था यज्ञम विदधति स्म, प्राचीन काल में सभी गृहस्था का तात्पर्य हुआ परिवार, है ना, पर जो गृहस्थ होते हैं परिवार होता है, तो प्राचीन काल में सभी परिवार यज्ञ करते थे, ते यज्ञ संपादनार्थम यथेष्टम समिधानी नवान्नानि धृतानि दुग्धानि तथा अन्यानि द्रव्याणि च प्रयच्छन्ति स्म, वे यज्ञ संपादन के लिए, यज्ञ को पूरा करने के लिए यथेष्टम जो आवश्यकता अनुसार, संविधानी, संविधानी एक शब्द होता है, संविधा, संविधा क्या होता है, हाँ जो लकड़ी होती है जिसमें हम आम पीपल और बहुत सारे जो है यज्ञ के संबंध में उस जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसको संविधा कहा जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या शब्द है, लकड़ियों के लिए संविधानी शब्द का प्रयोग किया गया है। नवान्नानी नए अन्न, धृतानी, धृतानी का तत्व धृत जिसको हम क्या कहते हैं, घी, दुग्धानी दूध तथा अन्यानी द्रव्याणी, अन्यानी और अन्य द्रव्याणी, द्रव्य का तात्पर्य होता है हाँ जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे तेल घी और जो जो होते हैं या पैसे उसको भी हम द्रव्य कहते हैं। च प्रयच्छन्ति स्म, देते थे, क्या करते थे, देते थे। अद्यापि सैव प्रथा भिन्नतया दृश्यते, आज भी इस प्रथा में भिन्नता दिखाई देती है। यज्ञस्य प्राचीन रूपम विलुप्तमस्ति, यज्ञ का प्राचीन रूप विलुप्त हो गया है। अधुना बालकाः इतस्ततः काष्ठानि एकत्रीकुर्वन्ति दहन्ति च, आज बालकाः, यहाँ पर बालक का बहुवचन क्या हो गया, बालकाः, यानी बहुत से जो बालक हैं, तो आज बालक
इधर उधर से लकड़ियां, काष्ठानी का तात्पर्य क्या हुआ, लकड़ियां, और एकत्री कुर्वंती, एकत्रित करके दहंती च, और उसको जलाते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, आज बालक इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और जलाते हैं। अस्मिन् वसरे जनाः बहुरंग रंजित जलम परस्परम क्षिपंती खेलंती च विविधैः रागैः। इस अवसर पर लोग बहुरंग रंजित का तात्पर्य क्या हुआ, हाँ, विभिन्न रंगों से रंजित जल, अर्थात क्या होता है, जो आप लोग जो है पानी में जो रंग डालते हैं, वो कई प्रकार के रंग डालते हैं, है ना, और क्या करते हैं उसको पिचकारी में भरकर छिड़कते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि अनेक रंगों से जो है इस अवसर पर अनेक रंगों से लोग बहुरंजित जल को परस्पर एक दूसरे पर फेंकते हैं, छिपंती का तात्पर्य हुआ फेंकते हैं और खेलते हैं। आबाल वृद्धा प्रसन्ना परस्परम मिलंती, बाल वृद्धा पर्यंतम, अर्थात जो बालक से वृद्ध तक, है ना, अबाल वृद्धा, है ना, जो बालक छोटे से बालक से लेकर कहाँ तक, वृद्ध तक, तो सारे प्रसन्ना परस्परम, प्रसन्न होकर आपस में मिलते हैं। सर्वे गायंती नृत्यंती च, सभी गाते हैं और नाचते हैं। सर्वे स्नेहेन अन्येषां मुखेषु गुलालं मर्दयन्ती, सभी स्नेहपूर्वक एक दूसरे के, अन्येषां का तात्पर्य हुआ दूसरे के मुख में, मुखेषु मुख में गुलालं मर्दयन्ती, गुलाल का मर्दन करते हैं, अर्थात गुलाल लगाते हैं। अब गाल में ऐसे लगाते हैं, हाँ ठीक, चलिए आगे। भाग गान माध्यमेन जनाः स्वसुखानी प्रदर्शयन्ति, भाग गान के माध्यम से जनाः लोग स्वसुखानी प्रदर्शयन्ति, अपने सुख का प्रदर्शन करते हैं। यथा ते आनन्दार्णवे निमग्नः इति प्रतीयते, जैसे वे आनंद के सागर में डूबे हुए हों ऐसा प्रतीत होता है। आनंदार्णवे का तात्पर्य हुआ आनंद के सागर, आनंदम अर्णवे, आनंद के सागर में, है ना, निमग्न डूबे हुए ऐसा प्रतीत होता है। गृहेषु बहूनि मिष्ठान्नानि निर्मितानि भवन्ति, घरों में बहुत से मिष्ठान निर्मित होते हैं। अब इसके संबंध में एक प्राचीन कथा है, कथा का अंश यहाँ पर दिया गया है, कथांश जिसको हम कहते हैं, एक कथा का अंश दिया गया है, छोटा सा कथा का छोटा सा भाग को दिया गया है। तो इसके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एका कथा प्रचलिता होलिका प्रहलादस्य पितृश्वसा आसीत, एक कथा प्रचलित है होलिका प्रहलाद की पितृश्वसा, पितृश्वसा पिता की बहन, यानी क्या हो गई, प्रहलाद की बुआ, है ना, तो होलिका प्रहलाद की बुआ थी। सा प्रहलादेन सह अग्नौ प्रविष्टा, वह प्रहलाद के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई। विष्णोः प्रसादेन प्रहलादः न दग्धः, विष्णु के प्रसाद से प्रहलाद नहीं जला, दग्धः का तात्पर्य हुआ जलना या जला, तो प्रसाद का तात्पर्य हुआ, यहाँ पर प्रसाद का तात्पर्य हुआ आशीर्वाद, तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद नहीं जला। होलिकैव दग्धा, होलिका जल गई। अस्याम कथायाम असत्योपरि सत्यस्य विजयः भवतीति संदेशः, यह कथा असत्य पर सत्य की विजय होती है का संदेश देती है। उस्सोयम स्वस्थम पर्यावरणम सृजति, उस्सोयम उत्सव धन अयम, क्या हो गया यहाँ पर, विसर्ग संधि का प्रयोग है, उत्सव धनयम, तो उत्सव स्वस्थम पर्यावरण सृजति का तात्पर्य क्या हुआ, स्वस्थ पर्यावरण का सृजन करती है, तो उत्सव हमारे लिए स्वस्थ पर्यावरण का सृजन करती है। परस्परम सौहार्द्र भावम संवर्धयति च, और आपसी भाईचारे, सौहार्द्र भाव को क्या हो गया, भाईचारे, तो भाईचारे को बढ़ाती है। एवं आनंदस्य उल्लासस्य च अयम उत्सवः
सर्वेषां मनांसि रज्यतीति। एवं आनंद के उल्लास का यह उत्सव सभी के मन को प्रसन्न करती है। तो आपने यह पाठ पढ़ा और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम कितना समझ में आया इसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपसे जानते हैं। चलिए आपके लिए पहला प्रश्न है, देखिए कस्मिन मासे होलिकोत्सव भवति। चलिए बताइए, बहुत अच्छे, फागुन मासे होलिकोत्सव भवति। चलिए आगे देखते हैं, प्रहलादस्य पितृश्वश्रुः किम नाम अस्ति। चलिए बताइए, बहुत अच्छे, प्रहलादस्य पितृश्वश्रुः नाम होलिका अस्ति। ठीक है, देखिए आपके लिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रिय उत्सव कह। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रिय उत्सव क्या है? ठीक, छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रिय उत्सव होलिकोत्सव अस्ति। मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो मुझे समझ में आया कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आपके लिए ये एक गृह कार्य का प्रश्न है जिसको आप बनाकर अपने शिक्षक को दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, यह आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्या कर रहे हैं लोग, हाँ कुछ यज्ञ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको जो है वाक्य की रचना करनी है। तो प्रश्न क्या है आपके लिए, चित्रम दृष्टवा मंजूसात पदानी च प्रयुज्य वाक्यानी रचयत। यानी चित्र को देखकर नीचे लिखे जो शब्द हैं उसके आधार पर आपको क्या बनाने हैं। दिख रहे हैं आपको चित्र? हाँ, देखिए पहला शब्द क्या है, प्राचीन काले, ठीक है, दूसरा क्या है, काष्ठानी, तीसरा है यज्ञस्य। तो इन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य की रचना करनी है, ठीक है। और चलिए फिर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार।